हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज संडे है, संडे रूफटॉप गार्डन ओवरव्यू। तो चलते हैं सबसे पहले संडे गार्डन में मेरे मॉस रोज प्लांटर की ओर, जहां पर देखिए बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुई है डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और पर्सलिन और पोर्चुलुका के दोनों के फ्लावर बहुत सुंदर से ब्लूम हुए हैं। ये देखिए, तो दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और लगातार बारिश से मेरे गार्डन का, देखिए ये टावर जो मैंने बनाया था उसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुई है। और इस साइड देखिए, जो हैंगिंग बास्केट मैंने रेडी किया हुआ था ट्रे वाला, वो है। और ये देखिए लेमन ने फ्रूटिंग कर ली है। और इस साइड आएंगे तो सारे मेरे परमानेंट फ्लावर हैं, जो बहुत सुंदर ग्रीनरी ऐड कर रहे हैं गार्डन पर। और इस तरीके से देखिए, ये स्थल कमल है, और वाटरिंग मैंने अभी नहीं किया है, तो बहुत लगातार 4-5 दिनों के बाद हमारे यहाँ बिल्कुल आज मतलब सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं। तो इस तरीके से देखिए बंचेस में इसके फ्लावर आते हैं। इसके बर्ड्स की क्वांटिटी भी देखिए, बहुत सुंदर बर्डिंग है यहाँ पर। और इस साइड अलमांडा बहुत अच्छी है, वैरायटी मतलब है ब्लूमिंग पर। और इधर देखेंगे तो ये देखिए सारे मेरे मोंगरा के प्लांट है, जिसमें अगेन बर्डिंग चालू हो गई है। और इधर आएंगे तो सारे एक्वा प्लांट का अपडेट देती हूँ। तो ये देखिए येलो पियोनी और थाम्बो में भी बर्ड्स आ चुकी है, ये देखिए बहुत सुंदर बर्डिंग हुई है। और इधर यूफोरबिया मिली का प्लांट है, जो कि देखिए बहुत सुंदर, इसमें भी ये देखिए फ्लावर ब्लूम हुए हैं, हार्डी प्लांट है। और इधर आएंगे तो ये देखिए बुल साई, जो कि बहुत सुंदर ब्लूमिंग हुई है, और इसके जो पेटल है ना, और देखिए साइज़ भी इसकी काफ़ी इस बार बिग निकली है, और ये थर्ड डे फ्लावरिंग है इसका। और इधर कैलेन है। तो इस तरीके से मेरे सारे एक्वा गार्डन चल रहे हैं। और इधर आएंगे तो मैंने कुछ न्यू वैरायटी ऐड करी हुई थी एक्वा गार्डन में, ये वो वैरायटी है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ इधर से। ये देखिए ये पूरी न्यू वैरायटी है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स आई है, स्पेशली वाइट पियोनी। और वाइट पियोनी का जब बल्ब मतलब ट्यूबर बहुत जल्दी अवेलेबल मैं करने वाली हूँ, जिस किसी को भी चाहिए होगा तो जल्दी से मुझे अभी से ही बुक करवा दीजिएगा। ये वाइट पियोनी, इसके जो फ्लावर है ना, मैं उसका पिक लगा दूँगी इसमें, देख लीजिएगा। और इधर आएंगे तो ये सारे मुसंदा का प्लांट है मेरा, और इधर ट्रॉपिकल हिबिस्कस है, जो कि बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुआ है आज ये वाइट वाले में, ये देखिए बहुत सुंदर फ्लावरिंग है। और इधर आएंगे तो पुणे वैरायटी का ही हिबिस्कस है, ये भी बहुत सुंदर ब्लूम हुआ है। और ये अडेनियम है, अडेनियम देखिए बहुत सुंदर, ये भी रेड मिस इंडिया वैरायटी ब्लूम हुई है, और ये कुछ न्यू वैरायटी है। तो सभी में मैंने अभी सी बीट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला हुआ है। और ये मेरे सारे ही हिबिस्कस है, जिसे मुझे प्रून करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई है, और आगे अभी मतलब बहुत सारी बारिश होगी तो इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे इसे प्रून करना है। और आपको आज मेरे रूफ टॉप गार्डन में बहुत सुंदर चेंजेस लग रही होगी। और ये देखिए गैलेक्सी वाटर लिली, जैसे हमेशा मैं बताती हूँ। तो ये चेंजेस मैंने क्या करी है आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको इधर से दिखाती हूँ मैंने क्या चेंजेस करी हुई है यहाँ पर। तो ये वाला जो सेशन है ना मेरा, ये वाला जहाँ पे सारे मेरे क्राफ्टेड अडेनियम रखे थे ना, तो मैंने लोटस को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, और जो अडेनियम है उसके बैक पर चल दिए हैं, क्योंकि उसे मैं पॉलीथीन से कवर करने वाली हूँ, क्योंकि 2-3 प्लांट में मेरा रूट रॉट होने लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे के जो जितने भी क्राफ्टेड अडेनियम थे उसे मैंने इस साइड कर दिया है। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारे मेरे अडेनियम के प्लांट है, और अडेनियम के अभी कलेक्शन मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इधर से सारे जो मेरे अडेनियम है ना देसी है, और पीछे मेरे थाईलैंड वैरायटी के अडेनियम हैं। और इधर से आएंगे तो ये देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सारे मेरे ग्राफ्टेड अडेनियम हैं, जिसमें कि बहुत सुंदर फ्लावरिंग अब चालू हो गई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, ये देखिए दूसरे। तो इस तरीके से मेरा रूफटॉप गार्डन का ओवरव्यू है आज। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ जाके, ये ऐसे मेरा चल रहा है, और मेरा जो रूफटॉप गार्डन है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ऐड कर चुका है, और सभी में फ्लावरिंग एक बार ख़त्म हो चुकी है।
और फिर से अगेन सभी में बड्स स्टार्ट हो रही है। तो एक बार फ्लावरिंग होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट होता है कोई भी प्लांट, उसके बाद फिर से इसमें फ्लावरिंग आती है। तो अभी ग्रीनरी फ्लावरिंग खत्म हुआ, तो देखिए मेरे गार्डन का जो ग्रीनरी है इतना सुंदर दिख रहा है। सारे देखिए प्लांट बहुत सुंदर दिख रहे हैं और ग्रीनरी ही सबसे बेस्ट होती है और पॉजिटिव थिंग। आप चाहे गार्डनर ना हो तो भी आप अपने घर पे एक प्लांट जरूर लगाएं, पॉजिटिविटी आती है। और क्या बोलते हैं, देखिए कितना सुंदर ग्रीनरी है और सभी को पसंद होता है ग्रीनरी। तो अब सभी में बर्ड्स भी आने लगी हैं। तो इस तरीके से देखिए ये मेरा रूफटॉप गार्डन है और ये देखिए मेरा अडेनियम का बोनसाई। तो ये मेरा चेंजेस आपको कैसे लगा? और अगर आप मेरे चैनल पर होंगे तो आप भी बोलते होंगे कि जब देखो चेंज करती रहती है। तो क्या करेंगे, मतलब वेदर के अनुसार से मुझे इसको अरेंज करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए अब बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मेरा गार्डन अरेंज हो गया है। तो ये जो दिख रहे हैं ना अडेनियम का ये वाला, ये वो इसको मैं ऊपर से पॉलीथीन कवर करूँगी ताकि बारिश का पानी बिल्कुल ज़्यादा ना पड़े इसमें। और इस तरीके से वर्टिकल में मुझे कुछ लगाना है, तो आप बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि क्या बोलते हैं, कहाँ से है, क्या क्या प्लांट मैं वर्टिकल में लगा सकती हूँ, आपका सजेशन मेरे लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने अडेनियम को रख दिया है, तो ये सारे एक साथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये देखिए। और दो तीन प्लांट है जिसे मुझे लोटस को रिपॉट करना है। तो बस फ्रेंड्स इतना था ये मेरे छोटा सा संडे गार्डन ओवरव्यू। तो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप लोग किस किस मतलब देख रहे हैं एरिया से, मुझे भी पता चले कि कौन से एरिया से मुझे देखते हैं। और लोटस का मैंने डाला हुआ था तो मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जो ट्यूबर हैं, मेरे जो लोटस के प्लांट हैं गुजरात उड़ीसा इस जगह पर पहुंच रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और आप लोग का प्यार सपोर्ट ऐसे ही चाहिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और सभी को हैप्पी संडे। सभी अपने परिवार का केयर करिए, प्लांट का केयर करिए। और ये देखिए एक बार आपको और दिखा देती हूँ, ये देखिए सभी में बर्डिंग चालू हो गई है, ये देखिए ये वाले में भी। तो बस फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बाय।